अभी सीएनजी वगैरह भरा के हो गए हैं रेडी। वैसे तो रात भर से सीएनजी भरा ही नहीं। मिनट 12 बजने वाले हैं, फिलहाल हम ट्रांसपोर्ट नगर से निकल आए। काफी दिनों बाद शिवा ढाबा, ये देख सकते हो कौन सा वाला, जो कि हम पहले रुकते थे काफी दिन, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं, एक गाड़ी और आ रही है हमारे साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं इंडिया गेट को, देख लो रात का नजारा कुछ इस टाइप का है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 10:13, डेट हो गई है 27 जुलाई हो गई है। जैसे कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि हम देहरादून आ गए थे, काफी दिन बाद बुकिंग मिली थी और रास्ते का अपडेट आपको सारा कुछ बताया था कि कांवड़ की वजह से कितनी क्या दिक्कत हुई थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कल तो जो दिक्कत मिली थी वो मिली थी, अभी आज की सुनने में आ रहा था कि रास्ते हो सकता है और ब्लॉक ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा कांवड़ की वजह से ट्रैफिक मिलेगा, तो कितना क्या मिलेगा वो सारा कुछ आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। और बुकिंग का अपडेट फिलहाल ये है कि जैसे रात को हम लेट गए थे, मतलब रात तक तो हमें कोई बुकिंग मिली नहीं थी, अभी सुबह हमारे पास बुकिंग आ गई है। और कई बार जो कंडीशन ऐसी हो जाती है कि बुकिंग मिलने को एक नहीं मिलती है, जब आती है तो दो दो तीन तीन बुकिंग आ जाती है, तो वही है। फिलहाल आज हमारे पास एक राइडर का कॉल आ गया है, उनको चाहिए थी दो गाड़ी, मतलब वो लोग हैं 8 लोग और मसूरी से उनका पिकअप था, दिल्ली उनको ड्रॉप करना है, तो मसूरी से मैंने दो गाड़ी बाहर की लगा दी थी, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ से मसूरी जाऊँ और आऊँ तो मेरा उतना खर्चा हो जाएगा, क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया ये है कि मसूरी से देहरादून उन सवारी को बुला लो और जो पैसे हमारे इसमें खर्च होंगे वो जो ऑलरेडी मसूरी में कोई खड़ा हुआ है वो लेके आ जाएगा। तो यही हम लोग करते हैं, अपना जो नेटवर्क होता है वो इतना फैला हुआ होता है कि उसमें दिक्कत नहीं होती है, कोई ना कोई गाड़ी वहाँ मिल ही जाती है। तो दो गाड़ी हमने वहाँ से लगा के उन सवारियों को नीचे बुला लिया, अभी 11:30 वो वहाँ से निकलेंगे, अभी 10:15 हो रहे हैं, मतलब लगभग 1 घंटे बाद वो वहाँ से नीचे निकले उतरेंगे और 1 घंटा लगेगा उन्हें लगभग ऊपर से नीचे आने में। फिर उसके बाद उन्हीं सवारियों को हम पिकअप करके लेके जाएंगे दिल्ली। अपनी पर्सनल बुकिंग है, किसी और ने नहीं दी है, अपने गूगल से अपना कॉल आ गया था, मतलब गूगल ऐड पे, गूगल पे जो अपना ऐड चलता है वहाँ से कॉल आ गया था। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि मैं अपना गूगल पे भी ऐड चलाता हूँ, जिससे कि अपना थोड़ा बहुत काम आता रहता है, दिक्कत नहीं होती। कई बार तो होता है कि 3-3, 4-4 दिन एक भी कॉल नहीं आती, और कई बार होता है एक दिन में बढ़िया काम हो जाता है। तो फिलहाल आज उन्हीं को लेके जाएंगे, हमारे लिए नए राइडर हैं और उनके लिए हम नए हैं। अभी उनके और हमारे बीच में क्या बॉन्डिंग रहती है, कैसा क्या व्यवहार रहता है, कैसा रिलेशन बनता है, आगे वो नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे नहीं करेंगे, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं वो, और लगेज वगैरह भी है, तो दो गाड़ियाँ इसीलिए उन्होंने करी हैं। वैसे तो एक गाड़ी में उनका हो जाता है, इनोवा में मेरे ख्याल से नहीं, इनोवा में भी नहीं हो पाता क्योंकि 8 लोग हैं, अगर 7 लोग होते तो एक बार को हो भी जाता, क्योंकि 7+1 इनोवा आती है और टोटल मतलब 8 लोग उसमें अलाउड होते हैं, एक ड्राइवर होता है। अभी ये 8 लोग तो खुद ही है, तो इसकी वजह से ना दो छोटी गाड़ी करा दी है और बढ़िया से अब इनको छोड़ेंगे दिल्ली। अभी थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलेंगे, अभी यही ट्रांसपोर्ट नगर खड़े हैं, तभी सीएनजी वगैरह भरा के हो गए हैं रेडी। वैसे तो रात भर से सीएनजी भराई नहीं थी और यहाँ हो गई है रात भर, देख रहे हो ना बारिश हो गई, मतलब पूरी रात हो गई है बारिश हो, ये देखो रात को जो सोने में मजा आया था ना, वो सोने में मजा बहुत बेहतरीन आया था क्योंकि एसी नहीं चलानी पड़ी। तो अभी थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलेंगे, अपना कुछ हल्का पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। वैसे पिकअप तो जो हमने उनको बुलाया है वो मालसी पे ही बुला लिया है, बुलाने को तो हम यहाँ देहरादून नीचे भी बुला सकते थे ट्रांसपोर्ट नगर, लेकिन हमने नीचे नहीं बुलाया क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत थी। चलिए एक कॉल आ रहा है, पहले अटेंड कर लेते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 11:50, 12 बजने वाले हैं, फिलहाल हम ट्रांसपोर्ट नगर से निकल आए हैं क्योंकि जो हमारे राइडर हैं वो वहाँ से निकल चुके हैं मसूरी से, तो यहाँ तक आते आते उन्हें इतना ही टाइम लगेगा, इतने टाइम में हम पहुँच जाएंगे मालसी के पास। अब मालसी हम क्यों जा रहे हैं, वैसे बुलाने को हम यहाँ बुला सकते थे गाड़ी को, लेकिन यहाँ बुलाते हो तो वो 200-300 रुपये और चार्ज कर लेते और फिर हमें उतना ज़्यादा कुछ बचता नहीं, इसकी वजह से हम जा रहे हैं खुद मालसी। अभी यही किसी और की बुकिंग होती तब भी तो हम पिकअप करने जाते ही ना, तो इसकी वजह से अपना काम खुद ही करो। रात भर हुई है यहाँ पे बढ़िया वाली बारिश, देख रहे हो ना पूरी जगह जगह बारिश, पानी भरा हुआ है। कल भी जब ड्रॉप हम कर रहे थे ना तब भी हो रही थी बारिश। अभी देखना पड़ेगा कि ये जो राइडर आ रहे हैं इनके पास लगेज कितना क्या है, अंदर आ जाएगा या ऊपर भी बांधना पड़ेगा, देखते हैं जैसा भी रहेगा। फिलहाल तो निकल आए हैं,
और चलते हैं फटाफट मालसी और करते हैं राइडर को पिकअप। चलिए मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 3:54, 4 बजने वाले हैं और आज हम रुके हैं काफ़ी दिनों बाद शिवा ढाबा, ये देख सकते हो कौन सा वाला, जो कि हम पहले रुकते थे काफ़ी दिन पहले सर्दियों में ज़्यादातर, लेकिन आज काफ़ी दिन बाद रुके हैं क्योंकि अभी जो ढाबे हैं ना ज़्यादातर बंद चल रहे हैं और राइडर जो हैं ये आ रहे हैं मसूरी से, तो इनको भूख लगी थी तो अभी हम यहीं पे बाहर खड़े हैं। ये अपनी गाड़ी खड़ी है वो साइड, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं, एक गाड़ी और आ रही है हमारे साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी 2 बुकिंग थी और 2 गाड़ियाँ हमने लगाई थी, तो एक गाड़ी जो है वो थोड़ी पीछे रह गई है, करीब 20 से 25 मिनट दिखा रहा है, तो 20-25 मिनट में आ जाएंगी वो, तो फिर उसके बाद हम खाना खाएँगे। अभी तो यहीं बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ी बहुत देर में निकलते हैं। और जहाँ से राइडर को पिकअप किया था ना वो लोकेशन सिर्फ इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ना तब तक दोनों गाड़ियाँ आ चुकी थी और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल लिए। तो अभी राइडर का कॉल आ रहा है, पहले अटेंड कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 8:05, गाड़ी हमारी चल गई है 265 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई है और अभी हम हैं इंडिया गेट के पास में। एक गाड़ी जो दूसरी लगी थी वो हमारी ये है, अभी दोनों गाड़ियों ने यहाँ पर राइडर को ड्रॉप कर दिया। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट से और बाकी की डिटेल आपको बताते हैं थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलने के बाद। दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं इंडिया गेट को, देख लो रात का नज़ारा कुछ इस टाइप का है। टाइम हो रहा है अभी 8:10, एसी के पीछे राइडर को हमने ड्रॉप किया है। वैसे तो ये राइडर जो है जाने वाले थे रेलवे स्टेशन के पास, बट इनकी आगे की जर्नी है, आगे इनका टूर है काफ़ी लंबा, तो उनकी जो दूसरी गाड़ी है वो यहीं पे आ जाएगी। अभी शाम का नज़ारा है, देख सकते हो लाइटिंग की वजह से कितना खूबसूरत लग रहा है, और दिन में तो फिर है ही अलग, दिन में बस ये थोड़ा गर्मी की वजह से हालत ख़राब होती है, लेकिन रात का जो मज़ा है ना इंडिया गेट घूमने का वो अलग ही है। और दिल्ली की रोड देख रहे हो ना रात में, अभी खैर आज सैटरडे है तो सैटरडे की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक कम है। अभी पहले हम इस ट्रैफिक से निकल लेते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 9:57, 10 बजने वाले हैं, जस्ट अभी रूम पे पहुंचा हूं और हालत देख रहे हो ना आज कई दिन बाद गाड़ी चलाई है, सो थकान ऐसी हो चुकी है। जस्ट अभी रूम पे पहुंचा हूं, तो खाना पीना लेना था, थोड़ा सब्जी वब्जी बाहर बाजार लगा था तो खाना पीना अपना ले लिया है, और यहाँ तक आते आते टाइम काफ़ी लग गया, जबकि आज हमने CNG नहीं भराई तब, पर चलो कोई नहीं। आज की जो बुकिंग थी वो जैसे मैंने आपको बताई दिया था, हमारी अपनी पर्सनल कॉल आ गई थी तो वो अपनी बुकिंग थी, और 8 लोग थे, इन्होंने 2 गाड़ियां बुक करी थी जिसमें कि मैंने आपको सारा कुछ दिखाई दिया। एक गाड़ी एक भाई थी, भाई थे पंजाब नंबर के, उनकी लगाई थी, एक अपनी गाड़ी लगाई थी क्योंकि आपस की कोई गाड़ियां थी नहीं, जो गाड़ियां थी उन्होंने बुकिंग ले रखी थी, इसकी वजह से बाहर की गाड़ी आज लगानी पड़ी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत की बात होती नहीं है, अपने सारे ट्रस्टेबल बंदे होते हैं, गाड़ी बाहर की ज़रूर होती है लेकिन उसकी कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, ठीक है। अमाउंट जो हमें मिला था टोटल 4,000 रुपये मिला था, जो कि अपनी पर्सनल बुकिंग थी, इसकी वजह से मिल गया था, नहीं तो उधर से अभी जो काम की कंडीशन है ना, लोग 2500-2500 रुपये में आने के लिए तैयार है, समझ लो काम की कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। कुछ तो कांवड़ यात्रा की वजह से काम निकल नहीं रहा है, और जो निकल भी रहा है उसमें समझ लो लोगों को कुछ भी नहीं बच रहा है, इतनी दिक्कतों का सामना करके आना पड़ रहा है। तो बस फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है। आज का जो दिन हमारा गया है ना वो बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला दिन गया है, मतलब वही 1.5 से 2 घंटे हमारे 1.5 घंटे के आसपास हमारा ख़राब हुआ है वही कांवड़ की वजह से, जो कि कल भी हुआ था 1 घंटे के आसपास, आज हो गया 1 से 1.5 घंटा, कल हो सकता है 2 घंटे हो जाए, परसों हो सकता है 3 घंटे हो जाए अगर बुकिंग मिलती है तो, लेकिन अभी बुकिंग का कोई अपडेट हमें लग नहीं रहा है अब, लेकिन देखेंगे थोड़ा कुछ बना रखा लें खा पी के, फिर देखते हैं आधा 1 घंटा बुकिंग देखेंगे, नहीं तो थकान वैसे ही हो रखी है और आज नींद भी जल्दी आ जाएगी। वैसे तो डेली रात के 1-1.5 बजे तक जगना पड़ रहा था और बुकिंग नहीं मिल रही थी, लेकिन आज ज़्यादा जगेंगे नहीं क्योंकि अगर शायद हो सकता है कल की हमें कोई बुकिंग मिल जाए। फिलहाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कई लोगों के हमारे पास जैसे कमेंट या कॉल आते हैं कि भाई आप कौन सी एप्लीकेशन चला रहे हो, क्या चला रहे हो, तो वो मैंने आपको बोला है कि मैं एप्लीकेशन पे एक स्पेशल पूरी वीडियो बना दूंगा, बट अभी नहीं क्योंकि अभी थोड़ी सी दिक्कत है दिमाग से कह लो या टाइम से कह लो या मतलब वो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है अभी थोड़ा सा ना, मैं खुद डिस्टर्ब चल रहा हूँ, उतना बढ़िया मज़ा नहीं आ रहा है वीडियो बनाने में, जब काम चलता है ना तो वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है, बस अभी क्या है
आप खुद देख रहे होगे, आज वीडियो बना दी, अब कोई पता नहीं है 4 दिन वीडियो ना आए, 3 दिन ना आए, 5 दिन ना आए। जब काम रेगुलरली चलता है ना तो काम करने में भी मजा आता है, और एक दो लोगों की रिक्वायरमेंट भी आई है, उनको कोटेशन भी मैंने दिया है, तो उन लोगों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई अगर हम आपको कोटेशन दे रहे हैं तो हम आपको वो कोटेशन देते हैं जिन रेटों में हम खुद काम कर रहे हैं मार्केट में, ना कि, क्योंकि देखो हमें दूसरों को काम दे के ऐसा तो है नहीं कि आपसे हमें कमीशन बचाना हो, ठीक है। तो हमारे जो रेट होते हैं वो इतने, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा, देखो जो एप्लीकेशन आपको रेट देती है ना, कई लोग कहते हैं कि भाई एप्लीकेशन हमें 4,000 दे रही है, आप हमें 4,500 क्यों कर रहे हो। एप्लीकेशनों पे जाके, मतलब एप्लीकेशनों की छोड़ो, जो एप्लीकेशनों के थ्रू आपके पास गाड़ी वाला बंदा आता है ना, आप उस गाड़ी वाले से कभी ये पूछना उसके दिल में क्या चल रहा है, मतलब वो बंदा उस एप्लीकेशन के साथ या किसी बड़ी कंपनी के साथ काम जरूर कर रहा है लेकिन उसे बचता क्या है, ठीक है। तो आप लोग एक, मतलब ये सोचो कि आप गाड़ी अगर अपने घर में भी रख रहे हो और अपने घर में अगर आपकी गाड़ी है और उतनी ही दूरी की आप टैक्सी बुक करो, उतनी ही दूरी आप अपनी गाड़ी लेके जाओ, आपका कितना खर्चा आता है, ठीक है। और ड्राइवर को अगर 1,000 रुपये भी एक बुकिंग पे ना बचे ना, आपको तो वो 1,000 रुपये दिख रहे हैं, लेकिन आप ये देखो कि आपको बंदा वन वे में अगर छोड़ रहा है ना, दूसरे दिन अगर उसको बुकिंग नहीं मिली तो दूसरे दिन का बंदा टोल टैक्स अपनी जेब से सब कुछ भरेगा, ठीक है। लोगों का हिसाब तो लगा लेते हैं बहुत जल्दी, पर चलो कोई नहीं, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे काम हो रहा है। फिलहाल आज का दिन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी ना जाएं, और पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपका कोई भी टूर प्लान बनना है तो आप हमसे कोटेशन ले सकते हैं, जो हमसे हो सकेगा, जितना भी रीजनेबल हो सकेगा वो आपको प्रोवाइड कराएंगे और बढ़िया से बढ़िया सर्विस देने की कोशिश करेंगे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, हमारा नंबर है 9667838364 9667838364। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक, न्यू डे न्यू वीडियो के साथ, किसी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, बाय, टाटा, गुड नाइट।